स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, रस्सी के अंदर, फिक्स्ड एट बोथ द एंड एंड डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन. डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है जब स्टैंडिंग वेव बनेगी, जब पहली स्टैंडिंग वेव बनेगी तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी. देखो हर जो स्टैंडिंग वेव है वो कोई भी फ्रिक्वेंसी पे बनती नहीं है. ऐसा नहीं है कि 20 हर्ट्ज़ पे बना के दिखाओ, 21 पे बना के दिखाओ, नहीं ऐसा नहीं है. कुछ स्पेशल फ्रिक्वेंसीज हैं जिस पे स्टैंडिंग वेव बनती हैं. वो जो पहली वेव बनेगी स्टैंडिंग वेव, वो देखने में कैसी होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये मैं आपको बताऊंगा. फिर थोड़ा स्ट्रिंग को जोर की हिलाओगे तो सेकेंड स्टैंडिंग वेव बनेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, स्ट्रिंग का डायग्राम कैसा होगा, उसकी फोटो क्या होगी, बना के दिखाऊंगा. इसको बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशन. आप जब स्ट्रिंग गिटार स्ट्रिंग बजाते हो तो जोर, कितना जोर लगाया, उससे आपकी साउंड की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है. तो जो साउंड की फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, वो क्यों चेंज हो रही है, उसका आंसर भी इसमें पता लगेगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं टाइट और वेव की इक्वेशन लिखते हैं. हमने लास्ट टाइम वेव की इक्वेशन की थी और एक वेव की इक्वेशन थी इस फॉर्मेट में. मैंने कहा था y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स भी वेव की इक्वेशन है. तो मान लो आपकी वेव कैसे जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है. तो आपकी वेव अगर लेफ्ट से राइट जाती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स. अब वेव गई राइट साइड पे टकरा के, रिफ्लेक्ट होके वापस आई. जब फिक्स्ड एंड है, क्योंकि स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है, और जब फिक्स्ड है तो क्या रूल किया था, क्रेस्ट जाता है तो ट्रफ आता है. क्रेस्ट का ट्रफ होने का मतलब फेज चेंज ऑफ पाई, पाई का मतलब 180 का फेज शिफ्ट हो जाता है, मतलब पूरा क्रेस्ट बिल्कुल 180 नीचे आ जाता है, ट्रफ बन जाता है. तो ऐसे केस में वाई जो पॉजिटिव था वो क्या बन जाता है, नेगेटिव, और एक्स पॉजिटिव की जगह क्या हो जाता है, नेगेटिव. तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव आएगी उसका वाई क्या होगा, नेगेटिव. और जब वेव राइट टू लेफ्ट आती है तो माइनस की जगह क्या याद करवाया था, प्लस. फिर ये आने और जाने वाली वेव सुपर इम्पोज होती हैं, मिलती हैं, इन्हें मिलाने का स्टाइल बताया मैंने, सुपर पोजिशन, दोनों की इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये सुपर पोजिशन और वेव है. तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपने ऐड किया, ऐड करके ये रिजल्ट आया. इस रिजल्ट में से ए को कॉमन निकाला. मेडिकल के लोग देख लें, ये जो एंगल है ये सी है, इस एंगल को डी मान लो, सी एंड डी. तो मैथ्स का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन सी माइनस साइन डी इज टू साइन सी माइनस डी बाय टू इन टू कॉस, करेक्शन कर लो, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय टू. तो मैथ्स के लोग, जो मेडिकल के लोग हैं स्पेशली, ये सी और ये डी, तो सी माइनस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू. तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें ओपन करके तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी. आप अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप यहां तक इक्वेशन लिखें, लिख दें ऑन सॉल्विंग वी गेट दिस इक्वेशन, सिंपल, तो भी चलेगा. नॉन मेडिकल वाले तो फिर भी कर सकते हैं इसे, ठीक, तो सीधा याद कर लें तो भी चलेगा. अब इसके अंदर एक जो रिजल्टेंट वेव आई सुपर पोजिशन के बाद, एक नई वेव आई, उसकी ये इक्वेशन है. एक साइन फंक्शन है, एक कॉस है, कॉस के अंदर टाइम आ रहा है, साइन के अंदर टाइम नहीं आ रहा. तो जिसमें टाइम आ रहा है उसको पीछे रखेंगे, जिसमें टाइम नहीं आ रहा उसको आगे रखेंगे. तो ये नई वेव का क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड. जो नई वेव का एम्पलीट्यूड है वो एक्स पोजीशन के साथ चेंज होगा. स्ट्रिंग की पोजीशन में एक्स इक्वल टू 1.1, 1.2 पे चेंज होगा, क्योंकि सुपर पोजीशन हो कैसे रही है, वेव जा रही है और वेव आ रही है. अब कोई पी पॉइंट है उसमें क्रेस्ट ट्रफ पे गिर रहा है, कोई थोड़ी देर क्यू पॉइंट है जिसपे क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर रहा है, तुम क्या कह सकते हो किसी वेव में कौन किस पे गिर रहा है, मालूम नहीं क्या हो रहा है. तो इस वजह से x के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, x का मतलब पोजीशन पे डिपेंडेंट होगा कि वहां सुपर पोजीशन कैसी होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा. मैं करके दिखाता हूं. तो इसके अंदर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ गया हमारे पास, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल आ गया इससे, इसे नोट करके रखो, ठीक है. अब आपने इसमें बनानी है बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशंस वो कंडीशंस हैं जो कि बिल्कुल जो बाउंड्री है उस पे लगती है, और ये कंडीशंस कभी फेल नहीं होती. अब कैसे फेल नहीं होती बाउंड्री कंडीशन, देखो अगर ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, इसके अंदर ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है और ये एक्स इज इक्वल टू एल है. ये पॉइंट कितना भी तेज स्ट्रिंग मूव करे, ये पॉइंट अपनी जगह से हिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स पॉइंट है, बांध रखा है. और अगर बांध रखा है तो यहां एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, जीरो. जब आई की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो. उसी तरीके से ये पॉइंट भी बांध रखा है, तो x इज इक्वल टू एल के ऊपर भी
एम्पलीट्यूड या वाई क्या होगा यहां पर, जीरो। ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेंगी, ये नहीं चेंज होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? जैसे करके दिखाता हूं, आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल आया था, आप इसमें एक्स को जीरो पुट करके देखो, साइन जीरो क्या होता है मैथ्स में, जीरो। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाइड, ट्रू है। आप अब एक्स की जगह यहां पर एल पुट करो, जैसे ही आप यहां पर एल पुट करते हो तो ये साइन की पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो, क्योंकि आपको पता है कि एक्स इज इक्वल टू एल के ऊपर आपका एम्पलीट्यूड या वाई क्या आना चाहिए, जीरो। तो ये टर्म मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और मेडिकल के लोग फिर से देखेंगे, ये टर्म जीरो तब आती है जब एंगल मैथ्स में क्या होता है, एन पाई। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ एन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, जो भी लोगे आंसर जीरो ही आता है। तो इस पूरे एंगल की जगह रिप्लेस कर दिया एन पाई, पाई से पाई क्या हो गया कैंसल, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, एन लैम्डा बाय टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, इसको संभाल के रखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है कि आपकी स्ट्रिंग पहली बार कैसे दिखेगी, स्टेशनरी वेव कैसी बनेगी। तो उसमें एन की जगह यहां पर वन पुट करेंगे, जैसी एन की जगह वन पुट करेंगे तो आपकी जो साउंड जनरेट होगी उसकी पहली वेवलेंथ आएगी लैम्डा वन। तो एन वन पुट करते यहां पर क्या बनेगा, लैम्डा वन बाय टू। तो मेरे पास क्या बन गया, एल की जगह लैम्डा बाय टू। एक बात बताओ, अगर मैं कंप्लीट वेव लेता हूं, ये पूरी की पूरी वेव है, पूरी वेव की लेंथ क्या होती है, लैम्डा। पूरी वेव की लेंथ क्या होती है, लैम्डा। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ऑब्वियसली लेंथ क्या रहेगी, लैम्डा। इसमें दो लूप्स हैं, दो लूप्स की टोटल लेंथ लैम्डा, तो सिंगल लूप की लेंथ क्या रहेगी, लैम्डा बाय टू। ये भूलना नहीं है, एक लूप की लेंथ लैम्डा बाय टू, दो लूप्स की लेंथ लैम्डा। तो आप चेक करो एल किसके इक्वल है, लैम्डा बाय टू। तो आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का डायग्राम क्या बनेगा, सिंगल लूप बनेगा, एक लूप, क्योंकि एक लूप का मतलब क्या है, लैम्डा बाय टू। तो डायग्राम ऐसा कुछ दिखेगा जिसके अंदर आपकी स्ट्रिंग, देखो डायग्राम सिर्फ देख वैसे तो ऐसा ही बनेगा, ये डॉटेड डॉटेड बना देते हैं। डॉटेड का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से फ्लैट ऐसे वाइब्रेट करेगी, तो ऐसी वेव को स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ये आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही, ये वहीं खड़ी है, ऐसे लग रहा है डायग्राम ऐसा ही दिखेगा आपको। कैसा दिखेगा, ये कॉर्नर के वो पॉइंट्स हैं जहां पर क्या है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड हमेशा क्या है, जीरो ही रहेगा, ये सदा ही जीरो रहेगा। ये नॉर्मल वेव की तरह नहीं है कि कोई भी पार्टिकल पहले ऊपर नीचे ऊपर आएगा, फिर अगला पार्टिकल भी ऊपर नीचे ऊपर, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें ये पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट भी रहेगा, ये नहीं मूव करेगा कभी भी, ठीक। तो इसके अंदर ये जो पॉइंट है जहां पर एम्पलीट्यूड हमेशा ही जीरो रहेगा, उन पॉइंट्स को स्पेशल नाम दिया जाता है, नोड्स, नोड्स, नोड्स। तो ये नोड है, ये भी नोड है, और ये पार्टिकल जो है सेंटर वाला, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम। तो जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उनको क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स। नोड्स के बीच में क्या आएगा, एक एंटी नोड। तो बाकी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग होगा। हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और वो उतना ही है। सेंटर वाले का मैक्सिमम है, दूसरे वाले का थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। ये नॉर्मल वेव की तरह नहीं है कि हर वेव का एम्पलीट्यूड सेम ही रहता है, नहीं, इसमें सेम नहीं रहता, इसमें डिफर करता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? और आपको डायग्राम ऐसा ही दिखेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, स्टैंडिंग वेव्स। तो इसके अंदर क्या है, ये आपको ऐसा नहीं है डायग्राम ऐसी स्ट्रिंग ऐसी दिखेगी बस, ऐसा नहीं है, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हुए दिखेगी एक लूप में बस, ओनली सिंगल लूप, ये स्टैंडिंग वेव है। तो इसके अंदर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो लैम्डा वन क्या आएगा, 2L। तो लैम्डा वन 2L है, ये पहली वेवलेंथ है, तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, V by लैम्डा वन। लैम्डा वन क्या है, 2L, तो ये पहली फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इससे कम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई स्टैंडिंग वेव बनेगी नहीं। पहली फ्रीक्वेंसी जिसपे स्टैंडिंग वेव या डायग्राम बनेगा वो ये रहेगी। फॉर्मूला याद करना है, पहली फ्रीक्वेंसी का नाम होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नोट कर लें, पहली फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करें, ठीक। तो पहली फ्रीक्वेंसी इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसमें वेलोसिटी यूज हो रही है,
खींची हुई रस्सी में स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी का मतलब टेंशन, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो ये पहली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप स्ट्रिंग को थोड़ी सी और जोर की बजाओ तो नंबर ऑफ लूप बढ़ जाते हैं, कांपती है वायर और ज्यादा वाइब्रेट करती है। तो n इज इक्वल टू टू पुट करते हैं यहां पर, टू पुट करेंगे, टू से टू कैंसल, तो l क्या आएगा? लैमडा टू। अब मैंने आपको क्या सिखाया, लैमडा का मतलब कितनी लूप्स आएंगी? दो लूप्स। तो आपका डायग्राम ऐसा बनेगा, कॉर्नर पे नोड ही बनेंगे, बाउंड्री कंडीशन वॉयलेट नहीं होगी, नोड, और नोड के बाद क्या आ गया? एंटी नोड के बाद, नोड के बाद एंटी नोड के बाद नोड। नीट और मेन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में बताओ कितने नोड्स बनते हैं और कितने एंटी नोड्स बनते हैं। तो डायग्राम माइंड में रखने आपने। तो ये आपके पास एल इज इक्वल टू लैम्डा टू आ गया, तो न्यू टू क्या होगा? वी बाई लैम्डा टू। वी बाई लैम्डा टू में लैम्डा टू क्या है? एल। तो यहां से ये आपकी सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर आप सेकेंड फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर वन से डिवाइड करेंगे तो वी बाई एल कैंसिल होते हुए आंसर क्या आएगा? टू इंटू न्यू वन। तो सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू टू टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू वन। और दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है? टू टाइम्स फंडामेंटल। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की जगह थ्री, तो एन इज इक्वल टू थ्री। तो जब ऊपर थ्री पुट करोगे, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू का मतलब 1.5। तो थ्री बाई टू लैमडा का मतलब लैमडा बाई टू प्लस लैमडा बाई टू प्लस लैमडा बाई टू। तो कितने लूप्स हैं? एक लूप लैमडा बाई टू का होता है, तो थ्री लैमडा बाई टू का मतलब है तीन लूप्स बनेंगे। तो लैमडा बाई टू, लैमडा बाई टू, लैमडा बाई टू, थ्री लैमडा बाई टू। कॉर्नर में नोड्स ही बनेंगे, तो नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड और नोड। तो इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैमडा थ्री आ गया। न्यू थ्री क्या होता है? वी बाई लैमडा थ्री। लैमडा थ्री यहां से उठा के यहां पुट कर देंगे तो ये नई फ्रीक्वेंसी आ गई। इस फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू वन से डिवाइड करेंगे, वी बाई एल कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? थ्री इंटू न्यू वन। तो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन, दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? टू इंटू न्यू वन। तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? थ्री इंटू न्यू वन। ऐसी nth फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? एन इंटू न्यू वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक,